अंजलि वैसे तो बहुत समझदार लड़की थी, लेकिन हमेशा से उसे एक ऐसे लड़के के साथ शादी करने की इच्छा थी जो लड़का विदेश में सेटल हो, यानी कि विदेश में नौकरी करता हो। लेकिन अंजलि की किस्मत तो देखो, बहुत ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। और तभी अचानक एक दिन उसकी मुलाकात दीपक के साथ हुई। अंजलि को दीपक पहली नजर में ही पसंद आ गया। दीपक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कैसी? वो क्या है ना दीपक, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़की के साथ हो जो विदेश में नौकरी करता हो। मेरा बचपन का सपना है ना, बस इसलिए। बस इतनी सी बात? तुम बिना बेकार में ही परेशान हो रही हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, कुछ दिनों की बात है। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ मैं, विदेश के लिए अप्लाई कर दूंगा और शादी के बाद हम विदेश में सेटल हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? दीपक जानते हो, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होंगी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें विदेश जाने का इतना मन क्यों है? वो क्या है ना दीपक, मेरा भाई है गौरव, वो विदेश में ही रहता है, तो बस मुझे भी विदेश जाना है। और इस तरह दीपक के विदेश जाने के वादा करने के बाद अंजलि उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दीपक और अंजलि की शादी हो जाती है शादी के कुछ दिनों बाद। अंजलि जल्दी से मेरा टिफिन दे दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दीपक तुमने अपने ऑफिस में बात की या नहीं? किस बारे में? अरे तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हमारी शादी के बाद तुम मुझे विदेश लेकर चलोगी। हाँ अंजलि, मैंने सोचा तो था लेकिन बात कुछ नहीं बन पाई, कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। ये सब कहते कहते पूरे 6 महीने हो चुके हैं दीपक। मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था ना कि मुझे विदेश में जाकर रहना है, यहाँ नहीं रहना। अरे अच्छा ठीक है बाबा, कुछ करता हूँ मैं। दीपक शाम को जब ऑफिस से घर लौट कर आता है तो अंजलि घर में नहीं थी। माँ, अंजलि कहाँ चली गई, बाजार गई है क्या? बेटा बहू तो अपने मायके गई है, उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी ना, इसलिए मैंने ही भेज दिया। क्या सासू माँ की तबीयत खराब है? लेकिन क्या हुआ अचानक से, आपको कुछ पता है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। अब देखो ना, अंजलि का भाई विदेश में रहता है, उसकी माँ यहाँ पर अकेली है, तो वो तो अपनी बेटी को बुलाएगी ही ना, बस इसलिए मैंने अंजलि को जाने दिया। माँ ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बेटी है उनकी और यहाँ रहती है, तो अपनी मम्मी को तो संभालेगी ही ना। अगले दिन अंजलि लौट कर आती है। अंजलि मेरी शर्ट आयरन कर दी तुमने, वो वाइट वाली, आज ऑफिस में मीटिंग है ना, वही पहननी है। दीपक तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर काम करती रहूं और तुम मेरी बात टालते रहो? अरे लेकिन हुआ क्या है अंजलि, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ अपने ऑफिस में विदेश जाने की बात करो, कह दो अपने ऑफिस वालों को कि तुम वहाँ सेटल होना चाहते हो। अंजलि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन देखो ना, उस दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, अगर हम विदेश चले गए तो तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों ही अकेले रह जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूं? ये मेरा बचपन से सपना था और अब अगर इन सब लोगों के बारे में सोचती रहूंगी ना तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाऊंगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद तुम समझ जाओगी इस बात को। देखो दीपक तुम्हारी बात सही है, लेकिन मम्मी अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है और मुझे विदेश जाना है, इसका मतलब जाना है। ठीक है अंजलि, तुम्हारी मम्मी के बारे में ना सही, मेरी मम्मी के बारे में तो सोचो, वो भी तो अकेली रह जाएगी ना। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस विदेश जाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। अगले दिन दीपक के ऑफिस जाने के बाद, अरे अंजलि बेटा इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो क्या करूं मम्मी, ढोल बजाऊं क्या कि आपके बेटे से शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे विदेश लेकर जाए, मेरे सपने पूरे करे, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है। अरे बेटा पर यहाँ पर परेशानी क्या है? बात परेशानी की नहीं है, मुझे बस जाना था और जाना है, जानती है आपकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा, और आपका बेटा तो मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखना चाहता है।
लेकिन बेटा मैंने तो कभी दीपक को जाने से मना नहीं किया। मुझे पता है ना, वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के। कुछ दिनों के बाद, अंजलि मम्मी को बुखार आ गया है, प्लीज जरा उनको दवाई दे दो। जो करना है तुम खुद करो, मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम इसलिए मुझे विदेश लेकर नहीं जा रहे हो ना, ताकि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी मम्मी की सेवा करूँ? मेरी जिंदगी तो है ही नहीं। अरे नहीं अंजलि, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, पागल नहीं हूँ। मैंने क्या सोचकर शादी की थी तुमसे और क्या निकले तुम। और इस तरह अंजलि ने दीपक की माँ का ध्यान रखना पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक दिन अचानक अंजलि की माँ का फोन आता है। अंजलि बेटा, तुम घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, बस जरूरी काम था, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। अंजलि अपने मायके पहुंचती है। अंजलि के मायके में, क्या हुआ मम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही है और क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं बेटा, तेरे भाई ने तो अब मेरा खर्चा भेजना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों से घर में एक भी रुपया नहीं, बहुत परेशान हूँ, दवाई लाने के पैसे भी नहीं बचे। लेकिन मम्मी, भाई ने ऐसा क्यों किया? खुद विदेश जाकर रहने लगा, इसका मतलब ये है कि वो अब आपका ध्यान भी नहीं रखेगा? पता नहीं बेटा, एक तू ही है यहाँ पर, मेरी बेटी, उससे तो पैसों की बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करती। मम्मी आप परेशान मत हो। तभी वहां पर दीपक पहुंच जाता है। दीपक आप अचानक यहाँ पर? वो क्या है ना अंजलि, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में आते देखा तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चला आया। हाँ दीपक, देखो ना, भाई ने तो विदेश में जाकर मम्मी से मुंह मोड़ लिया। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मम्मी की हेल्प करना बंद कर दिया है तो मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा मम्मी का। लेकिन बेटा तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं ले सकती। नहीं नहीं, आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अंजलि मेरी पत्नी है और आप उसकी माँ, तो आपका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। थैंक यू दीपक, मेरी और मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए। घर जाने के बाद, अंजलि मुझे लगता है अब तो तुम्हारे दिल से विदेश जाने का ख्याल निकल गया होगा, क्यों ठीक कहा ना मैंने? क्यों दीपक, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा भी क्या हो गया? मैं तो अभी भी विदेश जाना चाहती हूँ। एक्चुअली तुम्हारी मम्मी इतनी परेशान है, तुम्हारे भाई ने पलट कर उनकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की, तो मुझे लगा तुम समझ गई होगी। देखो दीपक, तुम ना मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दो। कुछ दिनों के बाद, अंजलि बधाई हो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या सच में, जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही है? हाँ बिल्कुल, तुम चाहती थी ना मैं अपनी कंपनी में विदेश जाने के लिए बात करूं, ये देखो हम यूएसए जा रहे हैं, मैंने बात कर लिया है। वाओ दीपक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। ठीक है फिर घर जाओ और जाकर अपनी मम्मी को भी ये खबर सुना दो। थैंक यू सो मच दीपक, जानती हो तुमने मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया है। अंजलि अपने मायके पहुंचती है। अरे घर पर ताला क्यों लगा हुआ है, मम्मी कहाँ चली गई? पड़ोसियों से पूछ लेती हूँ। अरे अंजलि बेटा कहाँ थी तुम? वो सब ठीक है आंटी, मम्मी कहाँ है आपको कुछ बता कर गई है क्या? क्या बताएगी तुम्हारी मम्मी, जानती हूँ तुम्हारे भाई ने क्या किया। क्या किया मतलब, कुछ हुआ है क्या आंटी, साफ साफ बताइए। अरे तेरे भाई ने ये घर रातों रात बेच दिया और तेरी माँ को इस घर से निकाल दिया, कहता है उसको विदेश में घर खरीदना है इसलिए। ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मम्मी ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं। कैसे बताती, बेटी के सामने हाथ फैलाना उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन आंटी अब मम्मी कहाँ है, प्लीज मुझे बताइए। वो तो वृद्धाश्रम चली गई है बेटा। अंजलि अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर अपने ससुराल पहुँचती है। अरे क्या हुआ अंजलि, और मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक है ना? दीपक मुझे माफ कर दो, लेकिन अब हम विदेश नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा, कब से तुम विदेश जाने का सपना लेकर बैठी थी,
और अब जो पूरा होने जा रहा है तो मना कर रही हो। नहीं मम्मी, मुझे विदेश नहीं जाना। अरे लेकिन हुआ क्या, मुझे भी बताओगी? मेरी माँ की हालत देखो, मेरे भाई ने जरा से पैसों के चक्कर में, विदेश में घर खरीदने के चक्कर में माँ को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। मैं ऐसा तुम्हारी माँ के साथ नहीं कर सकती, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम उस तरह की लड़की नहीं हो। तुम तो बस एक बार विदेश जाना चाहती थी और इसलिए मैंने ये सब किया, ऑफिस में बात करके विदेश का ऑप्शन लिया। लेकिन अब नहीं, ये सब देखने के बाद मैं कभी तुम्हारी और अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ की बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में कैसे गुजरेगी जब मैं हूँ यहाँ पर? उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी माँ मेरी माँ है और अब वो हमारे साथ यहीं रहेगी, भले ही तुम्हारा भाई उसकी जिम्मेदारी उठाए या ना उठाए। मुझे माफ कर दो दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी विदेश जाने की जिद कितनी गलत थी अब मुझे पता चल गया है। अब मैं यहीं रहूंगी अपनी दोनों मम्मियों के साथ और उनका ख्याल रखूंगी।